ಜ್ಞಾನಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತ ಗದಧರ ಸುಗತ ಗೌರಭಕ್ತ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ.
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरवीरावृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपुरदेवि सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्याण श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भक्ति मार्ग है भले जाना स्था या नर राजन न प्रमादेत कहिर जीत धावन निमिलन व नेत्रे न स्खलित न पते दिया। इसका मतलब है कि जो भागवत धर्म है वो इतने महान है, भागवत धर्म इतने महान है, भक्ति धर्म इतने महान है कि जो मार्गों को अपना नहीं कभी गिरने का कोई चांस नहीं, जिससे कभी गिरोगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ते रहोगे, धीरे धीरे भक्ति जगत में बढ़ते रहोगे, कभी हाथ नहीं गिर सकते। अगर कहते आंख बंद करके भी दौड़ोगे जिसमें गिरने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जो भक्ति मार्ग है वो बड़ा प्रशस्त मार्ग है, बड़ा लंबी चौड़ी मार्ग है। कोई छोटी गली हो ना फिर तो जब ठुकरा लोगे, लेकिन वो मार्ग अगर लंबी चौड़ी हो जितने दौड़ सके, जैसे आकाश में जैसे कोई अंत नहीं, पक्षी का पंख में जितने ताकत है वो उड़ सके, फिर उसी तरह जो भक्ति मार्ग है जिसमें कहीं गिरने का कोई चांस है नहीं, हाथ बंद करके दौड़ोगे कभी गिरोगे नहीं, पैर कभी स्लिप नहीं करेगा, कभी तुम गिरोगे नहीं, हर समय चलते रहोगे, हर समय आगे बढ़ते रहोगे, आगे भक्ति में बढ़ते रहोगे हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णना करते हैं, ये एकादशी कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, एकादश स्कंध की जो कथा है, जीव कैसे भगवत प्राप्ति करेगा, हम कैसे जीवन में भगवान को कैसे हम पा सकते हैं, ये एकादश स्कंध की जो कथा है जिसमें आता है कभी श्री नारद जी आते हैं श्री वसुदेव महाराज को घर। जब नारद जी आए वसुदेव महाराज हैं, तो वसुदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हमारे अहोभाग्य है आज संतों का दर्शन मिला, आज हमें भक्त दर्शन हमें मिला है। इसलिए कहते हैं भक्तों का दर्शन कब मिलता है, कल भक्तों का दर्शन तभी मिलता है जब जीवन का सारे दुख कष्ट हमारे समाप्त, हमें और ये संसार में भटकना नहीं है, जन्म मृत्यु का सारे चक्कर बंधन खत्म है, अभी ठाकुर जी को पास में जाने का हमारे समय हो गया, और ये 84 लाख जोनी में हम जो भटक रहे हैं, कभी राजा बन करके, कभी प्रजा बन करके, कभी दुखी हो करके, कभी सुखी हो करके, हम जो संसार में जो भटक रहे हैं, अभी ये भटकना हमारी समाप्त हो गया। भगवान हमें अभी अपना चरण में अभी हमें स्थान देना ठाकुर जी चाह रहे हैं, ठाकुर जी स्थान, तब भी जीवन में वैष्णव का संगत मिलेगा, उसको पहले साधु का दर्शन जीवन में नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब हमें संसार का दुख कष्ट खत्म हो गया है।
इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाब देही संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती भगवान की दो तरह का कृपा है, एक उनकी डायरेक्ट कृपा है और उनके एक इनडायरेक्ट कृपा है। जिसको पर में भगवान की डायरेक्ट कृपा है, सीधा ठाकुर जी की सीधा किसको ऊपर में कृपा है, तभी जीवन में संत दर्शन मिलते हैं। एक एक का टोल्ड दे इस देयर ट्राई टू रिमेंबर इन दिस क्लास गुरुदेव говорит постарайтесь запомнить вот вот как вы рассказываете и अगर अगर वो एक क्लास को अगर याद कर लेते हैं, एक क्लास को याद कर लेते हैं ना, फिर ये कहीं साधु संघ की महिमा बता सकते हैं। साधु संघ क्या है, जीवन में साधु दर्शन मिले तो हमारा क्या लाभ है, साधु संघ हमें कब मिलता है, ये चीज को बता सकते हैं। ठीक है, पंडित लोग हिंदी भाषी लोग इसको एक एक क्लास को याद करना कम से कम, ठीक है ना। मैं देखूंगा किसको याद, हम लिख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, लिखनी चाहिए गुरुदेव में, नोट लिखते हैं, इसलिए नोट लिखनी चाहिए। हाँ, इसलिए जो होनहार बच्चे हैं ना, नोट लिखते हैं, भूल नहीं जाए, ठीक है। और उसमें जो घर कर ले जाएंगे, गांव में जाकर मिलाना लुटाना काम, ठीक है। बट अब तो लिखे पड़े हो, इसलिए कम से कम अभी उम्र हो गया, अभी उम्र को अभी भगवान की भक्ति प्रचार में लगाओ, ठीक है ना। गुरुदेव हमने जो दिया अभी उसको देनी चाहिए, ऐसे नहीं यहीं पर बंद हो जाए, आगे बढ़नी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं हमारा हमारे पास में बच्चे हो, हमारी परिवार को आगे बढ़ाए, हमारा परिवार को आगे बढ़ाए, इसलिए भक्ति की परिवार भी आगे बढ़नी चाहिए, भक्ति की परिवार भी हमारी आगे बढ़नी, यहीं पर आकर के भक्ति की आकर के यहीं पर बंद नहीं हो जाए, आगे भी ये चीज हमारी बढ़नी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, हाँ नहीं, ये श्रीवास पंडित जी थे। महाप्रभु पहले बहुत बड़े विद्वान थे, निमाई पंडित बड़े विद्वान महाप्रभु थे, इतने बड़े विद्वान, बड़े बड़े केशव काश्मीर जैसे बड़े बड़े विद्वान को उन्होंने परास्त कर दिया, हर छक्का छुड़े दिए, बड़े बड़े विद्वान। और लेकिन जब महाप्रभु गया से वापस आए, अभी दिन रात कृष्ण नाम लेकर रोते हैं, अब दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दिन रात महाप्रभु जी कृष्ण कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, रोते हैं। किसने जा करके श्रीवास पंडित जी को बोला, बोले जानते हो निमाई पंडित अभी भक्त हो गया है, पहले तो पंडित था, अब ये भक्त हो गया निमाई पंडित। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, श्रीवास पंडित इतने खुश हो गए, वो कहते हैं गोष्ठ बद्धता, वो कह रहे हैं हमारा गोष्ठी बैठनी चाहिए। हम चार व्यक्ति चाहते ना, हमारा गोष्ठी हमारी जो संख्या बढ़े, हमारी दल बढ़े, हम चाहते ना भक्त लोग भी चाहते ना हमारे दल भी बढ़े, सब गला में कंठी पहने, तिलक लगाए, सभी माला ले, हैं? हम तो यही चाहते हैं, धीरे धीरे हमारी भक्ति भी आगे, धीरे धीरे हमारी भक्ति भी बढ़ते रहे, सब चाहते हैं। इसलिए श्रीवास पंडित बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, निमाई पंडित अभी भक्त हो गया, बढ़िया अच्छा हो गया, हमारा दल अभी बढ़ेगा, हमारा दल अभी बढ़ेगा। और कलयुग में बोले संघे शक्ति, कलयुग में संघे शक्ति, संघे शक्ति मतलब क्या है, अगर ज्यादा भक्त हो, जैसे यहाँ पर इतना आनंद क्यों आ रहे, सब दुनिया से भक्त लोग आए, कीर्तन कर रहे, मृदंग बज रहा है, नाच रहे, तब तक आनंद आ रहा है। अगर अकेला अकेला होता तो कुछ कर सकते हो नहीं, अकेला एका बोका है, एका बोका, एका बोका जो एका है ना वो बोका है, है? लेकिन जब संघ हो तब भी उसमें आनंद आता है। कलयुग में कोई अगर सोचेगा नहीं मैं बैठ कर अकेले अकेले भजन कर लूंगा, असंभव है, कलयुग में कर ही नहीं सकता, अकेले व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, तभी भक्ति कर सकते हो जो भक्तों को साथ मिलो, भक्तों को साथ मिलोगे, कीर्तन करोगे, हरि कथा होगा, जन्म उत्सव होगा, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी बनेगा, है राधाष्टमी बनेगा, उत्सव होगा, तभी कलयुग में आनंद आएगा। नहीं तो अकेले अकेले दो दिन बाद में सो जाओगे, हैं? नहीं तो माला जितना कर रहे हो माला की संख्या भी खत्म हो जाएगी, माला करने का कोई उत्साह नहीं आएगी,
भजन करने की कोई अकला हो जाए तो भजन भजन खत्म। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एका की अपार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा विजुदिया देह कृष्ण नाम। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं वैष्णव ठाकुर आप कृपा करके अपना हमें संग प्रदान करो क्यों एका की हमार नहीं हम अकेले हमारे भजन में हमें ताकत नहीं मिल रही कृपा करके हमें संग प्रदान करो हमें संग प्रदान करो। इसलिए जितना भक्त बढ़ेंगे उतना ही आनंद होगा इसलिए वृंदावन में तिलक माला सबके सब राधे राधे कृष्ण कृष्ण है। लेकिन जिस देश में भजन के मौल नहीं हरि नाम नहीं कीर्तन नहीं ये विदेश से क्यों आ जाते हैं ये क्यों रसिया छोड़ कर आ जाते हैं यहाँ पर भक्तों का संग मिलेगा हरि कथा सुनेगा कीर्तन सुनने को मिलेगा कृष्ण लीला चलने जाएंगे यहाँ पर आकर चार्ज हो जाता है बेटर ये ना चार्ज हो जाता है इसमें आकर के चार्ज हो जाता है इसलिए भक्तों का संग सही चार्ज बढ़ेगा ठीक है ना इसलिए अगली बार देखिए कम से कम 10 व्यक्तियों को गांव से लेकर तभी लाभ पाओगे जब हरि कथा सुना अपने घर में नाम से ठीक है प्रभु जी बॉम्बे वाले प्रभु जी अभी जाकर के जितने जो वैष्णव से सुने हम क्या सुनाते गुरु जी से जो सुने तो वही सुनाते है ना गुरु से जो सुने हम वही सुनाते अपना कोई बात नहीं सुनाते गुरु जी से जो सुना ही होगा अगर नोट किया होगा बस कथा सुनाए नोट कथा सब कथा सुना नोट खोल करके ठीक है नोट खोलो हरि बोल। इसलिए तभी जीवन में भक्तों का संगत तभी मिलता है जब जीवन का सारे दुख कष्ट हमारी समाप्त हो गया और ये संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा तभी जीवन में साधु संग मिलता है। इसलिए श्री वसुदेव महाराज जब देखा श्री घर में श्री नारद जी आए है श्री नारद जी को उन्होंने आसन देकर बैठा है और उनका चरण को धोए उनकी चरणामृत लिया उनकी चरणादों को पानी को उन्होंने पूरा द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए। बोले क्यों कारण किया श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो को बोला भक्त सेवा परम सीधे प्रेम लती कर मोल मैंने बोलते था शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आयो को इसलिए शुद्ध भक्तों का जो चरण धूलि चरणा मिल रहे हैं कहती है भजन की अनुकूल है भक्ति में इसमें मदद करता है। इसलिए हम संतों का चरण धूलि लेते हैं चरणामृत लेते हैं संतों। इसलिए अभी श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं ये मानव शरीर कितना दुर्लभ और उसी से साधुओं का दर्शन कितना दुर्लभ। यहाँ श्री नारद जी एक श्लोक में कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्री नारद जी कह रहे हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म कहते एक में तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है जिसको भगवान राम कहते हैं देत इस बिनु हेतु सनही कहते भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है हैं कहते जो मानव शरीर है कहते सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा कहते ये देवताओं के लिए भी मानव शरीर बनना बड़ा कठिन ये देवताओं को भी ये मानव शरीर मिलना बड़ा कठिन है साधारण व्यक्ति को छोड़ दो देवताओं के लिए भी इसी जगत में पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग जा सकता है पुण्य कर्म करके कहां पर मर्त्य जगत में लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो करके आप फिर मानव शरीर पा सकते स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं कोई सोचे स्वर्ग को मिले
अभी यहाँ पर ऐसे काम कुछ करो, अरे हम मानव शरीर मिल जाए, नहीं वहां पर ऐसे कोई काम नहीं। उसके बाद में गधे बनेंगे ना, कुत्ते बनेंगे ना, सुअर बनेंगे ना, पेड़ बनेंगे, लेकिन ये मानव शरीर से मिलेगा। ये भगवान राम कह रहे हैं सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, देवताओं को भी ये मानव शरीर नहीं मिलता। दूसरे जगह पर कहते हैं बोले देत ईस बिनो हेतु सनहि। अगर कोई बोले हमने बहुत पुण्य किया था ना, तब तक भगवान हमें मानव शरीर देव नहीं, तेरे कोई पुण्य से तुमको ये मानव शरीर नहीं मिला। बोले फिर बोले ठाकुर ने कैसे अहेतु के रूप में तुम्हें ये मानव शरीर दे दिया, अहेतु के रूप में ये मानव शरीर दे दिया है, इसलिए बोले दुर्लभ साज सुलभ कर देवा, जो दुर्लभ जो साज जो मानव शरीर उन्हें सुलभ करके दे दिया है, सुलभ करके दे दिया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म, एक में तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ क्या है, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते तो उससे ज्यादा दुर्लभ है जीवन में भक्तों का दर्शन मिलना। ये मानव शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ है भक्तों का दर्शन है, भक्तों का दर्शन उससे भी ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है, क्योंकि मानव शरीर देखो भारत में कितने तो मानव शरीर मिला है, कितने लोगों को मानव शरीर मिला, लेकिन गले में कंठी तिलक हरिनाम करने वाले कितने लोग हैं, हरिनाम करने वाले कितने लोग, गले में कंठी माला तिलक पहनने वाले कितने लोग, ज्यादा लोग नहीं। मानव शरीर क्यों, इनको वैष्णव का संग नहीं मिला, लेकिन भारत में होते हुए भी वैष्णव संग नहीं मिला, इसलिए कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई बीड़ी फूंक रहा है, गंदे गंदे काम में लगे। लेकिन देखो साधु संघ की कितने महिमा है, साधु संघ की कितने महिमा है, ये लोग रशिया से आए, ये लोग रशिया से आए, लेकिन इनको साधु संघ रशिया में मिला, रूस की रशिया में मिला, देखो तिलक लगा वाला जब कर रहे, कारण क्या, बोले रशिया में भी इनको, रशिया में भी साधु संघ मिला है, तब भी साधु संघ की इतने महिमा, इनके गला में कंठी माला तिलक भजन कर रहे। लेकिन जिनको इंडिया में भी मानव शरीर मिला, लेकिन उसमें साधु संघ नहीं मिला, बस वो भी भजन प्रभु भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे। इसलिए कहते तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मानव शरीर से भी दुर्लभ है अगर तुम्हें भक्तों का दर्शन मिल गया तो। पिछले शास्त्र में बताया सिद्धि भव की बात थी, संशय अच्युत से बिना संशय च अत्र तद भक्त परिचर्यात्मना, साधु संघ की संत संघ की महिमा बता रहे हैं। अगर कोई भगवान की डायरेक्ट कोई पूजा कर रहा है, ठाकुर की सेवा पूजा कर रहा है, शास्त्र ज्ञान नहीं देता है तो भगवान को पाओगे, शास्त्र कोई ज्ञान नहीं देता तो मेरे भगवान पाओगे। कितने लोग ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हैं, लेकिन पूजा सेवा क्यों कर रहे हैं, ये दुनियादारी वस्तु के लिए। अब देखना गिरिजा की परिक्रमा कर रहे हैं, एक जगह लेट 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 परिक्रमा कर रहे हैं, कोई कोई तो एक ही जगह पर 108 मिनट वाले उठ रहे पढ़ रहे परिक्रमा कर रहे हैं। उनको पूछो भैया परिक्रमा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, भक्ति के लिए नहीं, वो सोचा होगा अगर बेटा नहीं हो रहा है बेटा हो जाएगा तो परिक्रमा करेंगे, कोई सोचा होगा बेटी नहीं हो रही बेटा, बेटी हो रहा है बेटा नहीं हो रहा है अगर बेटा हो जाएगा तो परिक्रमा करेंगे, कोई सोचता होगा मेरी शादी नहीं हो रही बढ़िया घर में शादी हो जाएगा, उनको जाकर पूछो, उनको जाकर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, भक्ति के लिए नहीं करता हूँ, अक्सर करके लोग भक्ति के लिए नहीं करते होंगे, अक्सर करके लोग दुनिया की चक्कर में पड़ करके ये संसार का चक्कर में कैसे फंसे ज्यादा रहेंगे, ये दुनिया में संसार में कैसे फंसे ज्यादा रहेंगे उसके लिए कर रहे हैं। ऐसे तो फंसे हुए हो माया में, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 दिन संसार में हो रहे हो, फिर और क्यों मांग रहे हो, और भी संसार में दुख मिले, और भी संसार में हमें दुख मिले और वो चीज को संग्रह करें, इसलिए भक्ति के लिए नहीं कर रहे। लेकिन जो साधु संघ होगा उनको पूछो भैया क्यों कर रहे हो, ठाकुर का सेवा, ठाकुर जी की
भक्ति मिले हमें, और उसी दुनिया की कोई चीज जरूरत नहीं, केवल ये संतों संग से ही ये चीज प्राप्त होता है। अगर भक्तों का संग नहीं करोगे तो ये चीज प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो डायरेक्ट भगवान को सेवा पूजा करता है, शास्त्र कहता है कोई गारंटी नहीं दे सकते भगवान कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन कृष्ण कहते जो मेरी भक्तों का संग कर रहा है, लेकिन मेरे जो भक्तों का सेवा कर रहा है, भगवान कहते हैं उसमें कोई संशय नहीं, मेरे को प्राप्त करने का कोई संशय नहीं, वो एक दिन मेरे को प्राप्त करेगा ही। शास्त्र गारंटी देता है, शास्त्र उसको गारंटी देता है एक दिन तू मेरे को पाओगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। जो वैकुंठ प्रिय जो भक्त हैं इनका दर्शन मिलना बड़ा कठिन है। इनकी इसलिए शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर वही पाव तेसी संगत पार्वती। जिसको पर में हरि की विशेष कृपा होगा तभी जीवन में साधु संग और भक्तों का कृपा और भक्त दर्शन तभी जीवन में प्राप्त होता है। भक्त का संग मिल जाए है, भक्तों का दर्शन मिल जाए, शास्त्र कहता है कृष्ण रस भक्ता पति क्रियता कुत्ता भी जति लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य में कलम कोटि सुकृत रत्न लभ्यते। साधु संघ की इतने महिमा, इतने महिमा साधु संघ की बताए हैं, कहते सुकृति को दरा करोड़ों करोड़ों जन्म को सुकृति को दरा जो वस्तु तुम प्राप्त कर सकते हो साधु संघ को दरा अनायास में प्राप्त कर सकते हो, अनायास में प्राप्त कर लो। साधु अगर किसको पर बिगड़ भी गया ना उसका भी कल्याण कर दिया। नारद जी नल कुबेर मुनि कृपा कर बिगड़ गए, अभिशाप दे दिया, पेड़ जन्म हो गया, उसका कल्याण हो गया। पेड़ बचते कहाँ पर, ब्रज में पेड़ बचते। साधु अगर किसको पर बिगड़ गए ना उसको अभिशाप भी दिया, उनको ठाकुर जी कल्याण कर दिए, उनको भी उद्धार कर दिए। इतने साधु संत की महिमा है। तब श्री वसुदेव महाराज नारद जी को प्रश्न करते हैं, वहां पर उन्होंने पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, जीवन में हम सुखी कैसे बने। हम जो कुछ करते हैं इसके करते सुख के लिए, सुख के लिए करते हैं ना, दुख के लिए कोई नहीं करता है। सबके सब जीवन में सुख के लिए सब कुछ करते हैं सुख के लिए। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। नारद जी उसका उत्तर देते हैं आत्मा को शांति कैसे। अभी पहला प्रश्न है पर ये दुख में क्यों आए, प्रश्न है शांति कैसे मिलेगी, फिर अशांति क्यों जीवन में, जीवन में दुख क्यों है, कारण क्या है। उसका कारण बताए बोले भय द्वितिया निवेश ईशात अपेत विपर्जय स्मृति। जितने दुख का जो मूल कारण है हमने भगवान को भक्ति छोड़ दिया, भगवान की भक्ति हमने छोड़ दिया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार देय संसार। संसार आदि दुख का मूल कारण है हमने भगवान की भजन छोड़ दिया। मथुरा मठ में गए हो, कौन कौन मथुरा मठ गए हो, अब देखना मथुरा मठ में गुरुदेव ने एक सुंदर फट बनाए। जब आप गुरु जी की भजन को ऊपर जाओगे ना देखना दीवार में एक सुंदर एक फट है, एक सुंदर छवि। अब देखना एक तरफ में एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत उसमें दिखाया है। और जिधर माया की जगत है पूरा अंधकार, पूरा उधर से चित्ते भालू जहरीले सर्प भूत पिशाच उस तरफ में दिखाया, उस तरफ और जिस तरफ में लाइट, दूसरे तरफ में लाइट लाइट ही है, उधर एकदम आलोक उजाला उजाला। और वो सीधा रास्ता गया भगवान का धाम, ठाकुर जी का धाम में सीधा रास्ता गया है। उस तरफ में एक साधु खड़ा हुआ और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो साधु वो व्यक्ति को बुला तो इधर आ जा बेटा, अगर प्रभु की भक्ति करोगे ना तो सीधा लाइन गया भगवान ठाकुर जी का। और दूसरे तरफ में एक माया खड़ी हुई, वो माया के तुल्य है,
उधर क्या अंधकार अंधकार चित्ते भालू जल और वो व्यक्ति वो माया बुला रही इधर और वो साधु बुला रहे इधर वो व्यक्ति कभी इधर देखता है जब माया बुलाती इधर आ जा माया बड़ी सुंदर है ऊपर से कभी सोचता है इधर छलांग लगा लेकिन इधर साधु बुलाता भैया देख तू खुद देख ले जिधर माया है दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं अंधकार अंधकार है केवल कुछ है ही नहीं वहां पर भालू चित्ते और सब के सब भूत विचार वहां जाओगे ना दुख ही दुख वो करोगे लेकिन इधर साधु बोलते हैं बेटा इधर आ जा आनंद ही आनंद है तो आनंद ही आनंद मिलेगा जो सौभाग्यवान व्यक्ति है वो तो प्रभु की साधु सुनकर उधर चले जाते हैं लेकिन जो दुर्भाग्यवान व्यक्ति है वो माया की तरफ पे छलांग लगाते हैं वो माया की तरफ में छलांग लगाते हैं वो देखता है दुख कष्ट तब उधर छलांग लगाए उधर ही हमने भगवान की भजन भगवान की भक्ति हमने भूल गए इसलिए हमने इसे संसार में आ गए इसलिए संसार में भय भय है कि नहीं बेटा नहीं चले जाए बेटी नहीं चले जाए रुपया नहीं चले जाए मकान नहीं चले जाए धंधा नहीं चले जाए बिजनेस खत्म नहीं हो जाए हम भय डर रहे सबके सब डरे हुए संसार में हम सबके सब संसार में डरे हुए ये नहीं चले जाए वो नहीं चले जाए वो नहीं चले जाए बोले क्यों डरे है कारण क्या बोले द्वितीयाभिनिवेश हमारे द्वितीय अभिनिवेश हो गया मतलब हमारी प्रेम होनी चाहिए भगवान में और भगवान का प्रेम को दंत है ही नहीं क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है भगवान सत स्वरूप है भगवान ज्ञान स्वरूप है भगवान आनंद स्वरूप है वहां तो भय है नित्य वस्तु है सनातन है लेकिन भय किसी में दुनिया में जो नष्ट होने वाले वस्तु जो नष्ट होने वाले वस्तु उसी में हम आ सकती है इसलिए हम डरे हुए ये नहीं चले जाए ये नहीं चले जाए बीवी नहीं चले जाए पति नहीं चले जाए रुपया नहीं चले जाए इसलिए हम भय है कारण है अभी से हमारा प्रेम होने चाहे था भगवान में लेकिन भगवान में प्रेम नहीं होकर के हो गया माया इसलिए हम संसार में दुखी है हम संसार में दुखी है संसार में है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सो माया बस भय गोसाई बंधी है मरकट कीट न्याय उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण देकर समझाया हम संसार में कैसे फंसे दो उन्होंने उदाहरण दिया पहला उदाहरण दिया बंदर की बंदर देखे कि नहीं बंदर बंदर ही बंदर है इसलिए पहला उदाहरण दिया देखना जो बहेलिया ये बंदर कैसे पकड़ता है वो क्या करता है ना वो एक गड्ढा खोदेगा और उसके अंदर में कलसी को गाड़ देगा अच्छे तरह से गाड़ देगा और उसका मुंह छोटा सा रहेगा केवल हाथ ही घुस सकता है और वो बंदर वो दिखा दिखा करके उसके अंदर में एक आलू नहीं तो उसके अंदर में कोई भाल डाल देगा डाल करके पेड़ गाड़ में छुप जाएगा वो बंदर देख रहा है क्या कर रहा है वो देख रहा है और उसके अंदर में तो भाल डाल दिया है जब वो छुप जाएगा ना बंदर छलांग लगा करके आएगा आकर के उसके अंदर में हाथ को डालेगा लेकिन वो इतना बड़ा मुंह होता है केवल उसको हाथ ही जा सकता है लेकिन उसको हाथ में लेकर के जो आलू को नहीं तो वो फल वैसे पकड़ लेगा ना हाथ हो गया बड़ी जब वो निकालने चाहेगा वो मुंह उतना बड़ा ही केवल हाथ ऐसे ही जा सकता है ऐसे होगा नहीं जा सकता जो हाथ ऐसे हो गया निकालने चाहेगा ना और नहीं वो हाथ अंदर से निकलेगा नहीं जब नहीं निकलेगा लेकिन उसको ऐसे महसूस होता है मानो अंदर में ना मेरा हाथ को किसने पकड़ लिया मेरा हाथ को किसने पकड़ा उसको किसने पकड़ा नहीं उसको कोई नहीं पकड़ा वो स्वयं उसको पकड़ करके रखा लेकिन लगेगा उसको जैसे अंदर में कुछ मेरे हाथ को पकड़ करके रखा फिर तो चें 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 करने लग जाएगा वो बहेलिया आएगा पास जला रस्सी बांधेगा बांध करके लेके गड्ढा मार मार करके
भगवत नाच नचाएगा, उसको नाच नचाएगा है। इन्होंने ये एक उदाहरण दिया। दूसरे उदाहरण दिया है कीट। कीट मतलब होता है तोते। जो तोते को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, जो बांस होता है ना, नली बांस, जैसे नली बांस, उसको अंदर में ऐसे के लकड़ी होता है, ऐसे की लकड़ी लकड़ी करके उसको ऊपर में ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर फल लटका देते हैं। वो तोता आ करके बैठ जाएगा उसको ऊपर में। जब बैठेगा उसके अंदर नली को अंदर में पकड़ते ही वो नली झट नीचे घूम जाएगी। जब नीचे घूम जाएगी तोता पूरा का पूरा नीचे लटक जाएगा, लटक जाएगा। जब लटक जाएगा लेकिन उसको ऐसे लगेगा जैसे को हाथ किसने पकड़ा है, वो हाथ कोई लेकिन पकड़ा नहीं किसने, वो स्वयं पकड़ कर रखा, उसको कोई नहीं पकड़ा, वो स्वयं पकड़ कर रखा। लेकिन उसको ऐसे महसूस होगा जैसे मेरा हाथ किसने पकड़ कर छोड़ेगा नहीं, फिर वो पहले आएगा आ करके उसको गलत फिर उसको बांध करके लेकर मार्केट में बेचते, उसको बेचते बस आ गया पिंजरा के अंदर में आ गया, अभी बाहर उड़ नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये दो उदाहरण दिए। इसका मतलब है हमें ये माया नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ लिया, हमें माया नहीं पकड़ी, माया को हम पकड़ कर रखे। लेकिन हमको क्या लगना है, अरे मैं नहीं होगा मेरे बीवी क्या करेगी, मैं नहीं होगा तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, अगर मैं नहीं होगा तो बेटी का शादी कौन करवाएगा, अगर मैं नहीं होगा बिजनेस कौन चलेगा, भैया जो मर गए उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, बीवी बच्चा पल नहीं रहा है, सबसे बढ़िया सब कुछ हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, नहीं भैया हमसे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए करते हो तुम करने या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। लेकिन हमको क्या लगता है हमारी वजह से ये सारे काम हो रहा है, हमारी वजह से ये सारे काम हो रहा है। इसलिए जब कुत्ता है ना, जब बैलगाड़ी चलती है कुत्ता क्या करता है, उसको बैलगाड़ी को नीचे नीचे चलता है, वो कुत्ता सोचता है अरे मैं ये जो बैलगाड़ी चल रहा है ना मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रहा है, बैलगाड़ी चल रहा है मेरी वजह से, लेकिन तुम्हारी उसको इसकी वजह से वो नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिए माया हमने नहीं पकड़े, माया हमें नहीं पकड़ा, हम माया को स्वयं पकड़ करके रखे, नहीं छोड़ रहा हम नहीं छोड़ रहे माया को, ठीक है ना। इसलिए भैया अभी क्या करना पड़ेगा, हमारा तो गलती हो गई, हमने भगवान को भूल बैठे, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा। तुम कहते इसको निकलने के लिए बोले भक्त गुरुदेव आत्मा, अभी सदगुरु की शरण में हमें जाना पड़ेगा, सदगुरु की शरण में हमें जा करके उनकी चरणों को आश्रय करते हुए बोले भक्त गुरुदेव आत्मा। इसलिए गुरु जी को देवता है, वो आत्मा मान करके, देवता मतलब होता है गुरु जी को भगवत, जस देवे पराभक्ति जथा देव तथा गुरु, जैसे हमारी भगवान की प्रति प्रीति है ऐसे हमारी श्री गुरु जी की प्रति भी हमारी ऐसे प्रीति होनी चाहिए। पहला प्रति भगवान की नहीं होगा, पहले प्रति गुरु जी का प्रति होगी। जितना परिमाण में श्री गुरु जी के प्रति तुम्हारी प्रेम बढ़ेगी उतना परिमाण से हम ठाकुर जी का प्रति प्रेम बढ़ सकता है। कोई अगर सोचे कि नहीं गुरु जी की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट ठाकुर को सेवा पूजा कर लेंगे, पहले तुम्हारी गुरु जी की प्रतिकृति होगी, जितना गुरु जी की प्रतिकृति उतना तुम्हारी परिमाण में भगवत चरण में तुम्हारी प्रीति बढ़ेगी। फिर क्या होगा, भक्त के ए सब गुरुदेव आत्मा, गुरुदेव का चरण में शरणागत होते हुए फिर भगवान की भक्ति हमें भजन करना पड़ेगा। इसलिए कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद ये बताए हैं। इसलिए कहते हैं ना बिनु गुरु भवन इति तरई न कोई, जो बिनि चीज शंकर सम होई, ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाओ लेकिन सदगुरु चरण आश्रय नहीं करो तो संसार से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हम उड़िया लखमान की आसना देना चाहिए, परिक्रमा करे वजह से बोले परिक्रमा करे वजह, परिक्रमा करे वजह से तुम जाएंगे ना, हरे कृष्ण। अभी कहते अभी सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण किया, सदगुरु चरण आश्रय करके फिर करेंगे क्या, कुछ तो करनी चाहिए ना, क्या करेंगे गुरु जी के, जब सदगुरु आश्रय किया करेंगे क्या। इसलिए कोई कुछ कुछ लोग भक्त सोचते हैं
भैया भक्ति तो बड़ा कठिन मार्ग है, भक्ति बड़ा कठिन मार्ग है, कहते नहीं भक्ति कोई कठिन मार्ग नहीं, भक्ति सबसे सरल मार्ग है, प्रभु का भक्ति सबसे सरल मार्ग है। मेरे तरफ में देखो भक्ति क्या है, देखो मेरे तरफ में लोग भक्ति किया है, जैसे एक चीज यहाँ पर रखा हुआ, इसको यहाँ उठाया, यही पर भक्ति और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई चीज लग रखा, ये चीज उठा करके हमने यही भक्ति है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब है संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं, काय मन और वाक्य, काय मन और वाक्य, ये तीनों से ये सारे काम करते हैं, हैं सब काम, कुछ शरीर से करते हैं, कुछ मन से करते हैं, तन मन धन काय मन, मन से कभी वाक्यों के द्वारा भी कुछ कर्म करते हैं, ठीक है ना, काय मन तीनों के द्वारा ये सारे काम करते हैं। जो काम तुम काय मन वाक्य के द्वारा करते हो भक्ति जगत में, वही करना, और कुछ नहीं करना है। संसार में लोग पैसा कमाते हैं, क्या भक्त पैसा नहीं कमाते हैं, वो भी नौकरी चाकरी करते हैं। संसार का लोग रसोई बनाता है, क्या भक्त रसोई नहीं बनाता है। संसार का लोग अपना घर को साफ सुथरा करते हैं, भक्त क्या नहीं करते हैं। संसार के लोग बच्चे पालते हैं, क्या भक्त लोग बच्चे नहीं पालते, सबके सब वही काम कर रहे हैं। जो एक सांसारिक लोग करता है वही काम है, एक भक्त भी वही काम करता है, लेकिन केवल भाव में अंतर है, केवल भाव में अंतर है। एक व्यक्ति क्यों पैसा कमाता है, बोले हम संसार पालेंगे, दुनियादारी करेंगे, दुकान मकान बनाएंगे, लेकिन एक भक्त भी पैसा कमाते, बोले क्यों, बोले भैया पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, पैसा होगा तब तो वृंदावन में आए, पैसा है तभी तो प्रजवंडल परिवार में आए, इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा इसलिए कमाओ ठाकुर को सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए धाम में जाएंगे, भक्त दर्शन करेंगे, इसके लिए क्या भक्त लोग क्या खाना नहीं बनाते, बोले भक्त क्यों खाना बनाता है, दूसरा व्यक्ति अपना भोग के लिए है, हम खाएंगे, लेकिन भक्त क्यों बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को भोग लगाए, इसलिए हम खाना बना रहे हैं, इसलिए बढ़िया करके बनाओ, क्यों, ठाकुर जी को भी पसंद आनी चाहिए, ठाकुर जी को भी पसंद आनी चाहिए। साधारण लोग भी घर बनाए, यहाँ पर देखो कितना सुंदर दया भर बनाए ना, चकाचक घर बनाए, लेकिन यहाँ पर घर क्यों बनाए, भक्तों के लिए घर बनाए, भक्तों के लिए घर बनाए यहाँ है, इसलिए भक्त लोग भी घर साफ करते हैं, बोले क्यों, बोले ये ठाकुर का दरबार है, भगवान के मंदिर है, इसलिए भक्त लोग जो घर में झाड़ू लगाते हैं, कहते अपना घर में झाड़ू नहीं, ठाकुर के दरबार में, ठाकुर जी की दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, ठाकुर जी की दरबार में झाड़ू लगाते हैं। कहते हैं भक्तों का खाना पीना पायखाना परिसरा करना भी भक्ति है, भक्तों का स्नान करना पेशाब जाना पायखाना करना भी कहते भक्ति है, हैं, बोले क्यों, जैसे सवेरे उठ कर ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं, बोले क्यों, बोले भैया गंदा मुंह होगा तो मेरे मुंह से बदबू निकलेगा ना, तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, इसलिए हम ब्रश करते हैं। बोले स्नान क्यों करते हो, गंदे शरीर में सोए थे, शरीर में ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, अच्छे शरीर से ठाकुर का सेवा करेंगे, इसलिए भक्त जो शरीर को साबुन लगाता है और शैम्पू लगाता है, क्यों लगाते हैं, शरीर अच्छे रहे हैं, क्यों, अच्छे शरीर से ठाकुर को हम सेवा कर सकते हैं। हम भी पेशाब पायखाना जाता है, साधारण लोग भी जाता है, भक्त भी पेशाब पायखाना करता है, कहते भक्तों का पेशाब पायखाना भी भक्ति है, बोले क्यों, बोले शरीर पवित्र होगा, साफ होगा, तब ये साफ शरीर से तभी ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। और जो कुछ करते हैं ना, केवल ठाकुर जी को लक्ष्य करके करते हैं, केवल भगवान को लक्ष्य करके करते हैं, इसलिए भक्त का हर चीज भक्ति है, भक्त का हर चीज भक्ति, उसका खाना भी भक्ति, उसको सोना भी भक्ति, उसकी चलना भी भक्ति, उसकी बोलना भी भक्ति, सब कुछ उसकी भक्ति 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 है। इसलिए भक्ति में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो वही करो। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कर बोले माँ मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षय, बोले माँ यही मन ही मुक्ति का कारण है, अरे यही मन ही बंधन का कारण है, यही मन ही भक्ति का कारण है मुक्ति की, और यही मन ही बंधन का कारण है माँ।
बोले माँ जब ये मन को ठाकुर को भक्ति में लगा दो बस मुक्ति के कारण बन गई, जब ये मन को विषय में लगा दो बंधन का कारण बन गया। इसलिए उदाहरण जैसे जैसे एक ही की होता है चाबी, लेकिन आप देखना उसको उल्टा घुमाओ ना क्या होगा, ताला खुल जाएगा। लेकिन उसको सीधा घुमाएंगे तो ताला बंद, उल्टा घुमाओ बंद हो जाएगी और सीधा घुमाओ तो ताला खुल जाएगा। एक ही है लेकिन उल्टा घुमाओ तो बंद हो जाएगा, सीधा घुमाओ तो खुल जाएगा। मन एक ही है जो उसको उल्टा में लगा दो विषय में फिर बंधना का कारण बन जाएगा, और उसको जब सीधा घुमा दो भगवान के पैर वो खुल जाएगी। माँ भक्ति के लिए कोई ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, भक्ति बहुत सरल मार्ग है। भक्ति केवल ये मन तो भगवान के भजन में भक्तों की सेवा में ठाकुर को भक्ति में लगा फिर क्या हो गई, मन ही मुक्ति के कारण बन जाएगी। भक्ति कष्ट नहीं, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। लेकिन भक्ति करेंगे कैसे, कहते ये भक्ति करेंगे कैसे, तो बोले श्रीना न सुभद्राणि रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि च जानी लोके। भक्ति करेंगे कैसे, बोले श्रीनो न सुभद्राणि रथांग पाणी, कहते भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो। इसलिए भगवान की कथा कैसे, बोले रथांग पाणी। रथांग पाणी मतलब है जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिन कृष्ण का हाथ में श्री सुदर्शन चक्र है भगवान का हाथ में, बोले सुदर्शन चक्र क्यों, अगर उनकी कथा तो अगर सुनेंगे ना क्या होगा, हमारा संसार का जो बंधन है ये खत्म हो जाएगा, संसार की बंधन खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बैठे कथा सुन रहे हो, कितने लाभ हो रहे हैं देखो। अगर यहाँ पर कथा सुन रहे हो, हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं हमारा मन वहीं पर लगा हुआ, हम सुन रहे हैं भगवान की कथा, भगवान की कथा सुन रहे हैं। भजन मतलब क्या है, भजन मतलब होता है जेन तेन उपाय न मन कृष्ण निवास। भक्ति मतलब होता है किसी तरह से ये मन को भगवान में लगाओ, यही भक्ति है, किसी तरह से मन भगवान में ही लगे रहे, भक्ति यही है। जैसे यहाँ बैठे हैं, हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ, भगवान में लगा हुआ, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। एक तो भगवान के मन में लगा, उसे दूसरा लाभ किया, ये भक्ति ज्ञान की बात है। जब ज्ञान की बात हम सुनते हैं पर हमारे अंदर में ज्ञान और इंद्र में ज्ञान प्रकट होता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये रास्ता पर चलनी चाहिए ये रास्ता पर नहीं चलनी चाहिए, ये ज्ञान भी हमारे अंदर में आती है। इसलिए कहते बोले माँ कहते श्रीनो न सुभद्राणी रथांग पाणी, क्या करो भगवान की रोज कथा सुनो। इसलिए जितने भक्त हैं क्या करो, रोज कथा सुननी चाहिए, रोज कथा, गुरुजी कथा होगा है, जैसे कथा बोलो नहीं तो कथा सुनाओ, है कथा सुनाओ नहीं तो कथा सुनो, रोज रोज कुछ ना कुछ कथा सुननी चाहिए। रोज घर में नियम बना लो, ये कथा सुनना मतलब क्या है, देखो देखो गुरुदेव कहते थे जैसे कि घड़ी होता है, घड़ी है ना, पहले क्या होता था, घड़ी में चाबी देते थे, जब चाबी देते थे वो 24 घंटा काम करता था, ये 24 घंटा ये काम करती थी, फिर उसके बाद में फिर 24 घंटा बाद फिर उसमें फिर चाबी लगाते थे, फिर पे चाबी लगाते थे, फिर 24 घंटा काम करता था। ठीक उसी तरह का ये भक्ति जीवन भी ठीक वैसे है, ये भक्ति जीवन भी वैसे है। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे का जो समय ऐसे नहीं 1-2 बजे तक फिल्म देखते रहे, टीवी देखते रहे, इंटरनेट देखते रहे और सोए 1-2 बजे तक, और उठे कब, उठे 9-10 बजे उठे किसी तरह से, और मुंह हाथ धोया और अच्छा खाना खाया और नौकरी में भाग गए, नौकरी में भाग गए नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए सवेरे का जो प्रोग्राम है, अगर हम भक्ति में धीरे धीरे अगर भक्ति में अग्रसर करना चाहते हैं, सवेरे का जो समय है वो समय भजन का समय है। इसलिए मंगलारती में क्यों आते हैं, ये मंगलारती का नाम कितना, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल मूर्ति, शुभ दृष्टि तारा प्रभु जगत प्रति,
जागूकर हृदय पर सुमंगला, इसलिए सवेरे क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके ठाकुर जी की मंगलारती कर, सवेरे अपना घर में मंदिरी बना, घर में मंगलारती कर, पहले तिलक लगाए, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करो, तिलक का सबसे पहले, तिलक के बगैर कोई शुभ काम काम नहीं कर सकते, ये तिलक गोपियों की चरण धूलि, गोपियों की ये चरण धूलि, ये मत समझो अरे तिलक तिलक की कोई जरूरत नहीं भजन के लिए, सब तिलक की क्या जरूरत नहीं, जब तक तिलक नहीं लगाएंगे तब तक हम कोई भी भक्ति हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है जब कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा पहले सबसे तिलक लगाएगा, सबसे पहले तिलक लगाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना, ये तिलक गोपियों की चरण धूलि, और गोपियों की चरण धूलि से ही श्री नरसिंह दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद धूलि आर भक्त पद जर भक्त भक्त शेष तीन ऐसा आदर निर्भर, एक चरणामृत, एक चरण धूलि और उनके एक अधरामृत, भक्तों का ये तीन चीज सबसे जल्दी प्रभु को प्रेम को समझते ही बढ़ा सकता है, ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले सवेरे क्या करेंगे, तिलक जरूर लगाएंगे, सबके सब तिलक, तिलक के बगैर भक्ति नहीं होती है, ठीक है ना, तिलक सबसे पहले लगाओ, उसके बाद में मंगलारती करो, मंगलारती ठाकुर का आरती उतारो, फिर उसको भजन को गा करके उसको बाद में फिर तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये जरूर करना, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ऐसे कीर्तन लिखे हैं, वो एक एक कीर्तन से पूरा वृंदावन याद हो जाता है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करना तो वृंदावन में रह करके भक्ति करो, क्या करें वृंदावन में रह करके, बोले भैया सब अगर वृंदावन में आ जाए फिर ये पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सब अगर वृंदावन में आ गए पैसा कहाँ से आएगा, बगैर पैसा तो खाना खा नहीं सकते है, पैसा कभी नहीं, अपना घर को वृंदावन ठाकुर कहते हैं जिस घर में ठाकुर का कीर्तन है, जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा होता है, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होता है वही घर ही वृंदावन, वही घर ही वृंदावन, वही घर है वृंदावन में रह करके, अगर हम दुनिया की चिंता करें वृंदावन वास नहीं है, उसको वृंदावन वास नहीं कहते, रहते वृंदावन में, जब गुंडा बदमाशी चोरी करता है तो वृंदावन में ज्यादा है, लूट पाट ज्यादा है, तो थोड़ी वो वृंदावन में रह रहे, वृंदावन में नहीं रह रहे, हमारा मन जहाँ पर है हम वही रह रहे हैं, अगर कोई विदेश में रहता है लेकिन उसका मन प्रभु की भजन में कीर्तन में ठाकुर जी कथा में, वो भले ही रह रहे हैं विदेश में, वो रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन हम रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन मन वृंदावन में ही नहीं, मन तो और किसी चीज में, कहते उसको वृंदावन वास उसको नहीं कहते, मूल है ये मन, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृहे भजन देखी गृहते कुल बधाय, जिस दिन घर में कीर्तन भगवान की पूजा पाठ तुम्हारे घर ही वृंदावन, तुम्हारे घर ही वृंदावन है, वही तुम्हारी वृंदावन है, इसलिए अभी प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है भैया, अगर हम सबके सब वृंदावन में आ जाए पैसा नहीं कहाँ से मिलेगा, इसलिए अगर हम घर में ही पूजा पाठ भक्ति करते हैं वही कर रहे हो, वही पर तुम्हारी वृंदावन, वही पर तुम्हारी वृंदावन, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे एक कीर्तन उन्होंने लिखा, अगर एक कीर्तन को अगर याद हो जाए ना, एक कीर्तन अगर तुलसी परिक्रमा करते करते अगर हम एक कीर्तन गाते हैं वृंदावन वास, तुलसी परिक्रम देखो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन जय महागण केसी घाट वैशिवट दशतना दास बलीला कैला श्रीनंद नंद, देखो कीर्तन में जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बस वृंदावन याद आ गया, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों ठाकुर याद आ गए,
श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन याद आ गया है तो राधा कुंड श्याम कालन जी मतलब यमुना नदी महाबन जितने सारे बहन है कैसी घाट बंसी द्वादश सब याद आ गया ना। देखो ऐसे इसलिए ये कीर्तन को रोज ये कीर्तन भरित करना एवरी डे यू आर ट्राई डू दिस कीर्तन व्हेन डू द तुलसी परिक्रमा यू ट्राई डू दिस कीर्तन एवरी डे दिस कीर्तन इवन डूइंग कीर्तन इन योर हाउस विद वृंदावन तो वाज डोंट प्रैक्टिस ओवर वृंदावन हर्षो इसलिए रोज ये कीर्तन को घर में रोज करना ये कीर्तन को। और एक कीर्तन है हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम सुमधु सुदान श्रीधारि गोपीनाथ मदन मोहन श्रीचैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपा हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ हरे जय गोसाई करि चरण वंदन सारे जगनाथ विष्णु कभी ये एक कीर्तन है एक में तो कृष्ण का परिकरों का धाम का और दूसरे में महाप्रभु भक्त परिकर का नाम है जय गोस्वामी का नाम है चैतन्य महाप्रभु का नाम है। ये दो कीर्तन सवेरे हम क्या करते हैं जब कीर्तन करते हैं ना मंदिर परिक्रमा करते जय राधे जय कृष्ण फिर जब हरिकथा कीर्तन हरिकथा के बाद में अरे हरि हर नमो कृष्ण जादव नमो ये मंदिर का कीर्तन करते इसलिए घर में करते क्या करनी चाहिए रोज घर में ये चार्ज देनी चाहिए। चार्ज मतलब अगर सवेरे सवेरे अगर कुछ समय ठाकुर का आरती परिकीर्तन जय ध्वनि ओके एवरी डे मॉर्निंग टाइम डूइंग आरती कीर्तन जय ध्वनि लिसनिंग लिटिल लिटिल हरि कथा श्री गुरुदेव हरि कथा स्वामी महाराज हरि कथा यू नो गुरुदेव हरि कथा साइन इफ नॉट पॉसिबल यू कैन रीड सम स्क्रिप्चर जैव धर्म मन शिक्षा उपदेशामृत मॉर्निंग टाइम नियम है कुछ समय ऐसे निकालो पूरा सवेरे का जो समय है पूरा उसमें भक्ति में लगाने के लिए फिर क्या होगा इतना कर लेंगे ना समझो जैसे घड़ी में जैसे चाबी देते हैं ना घर में जैसे चाबी देते हैं जैसे 24 घंटा चलती है अगर सवेरे अगर ये समय को हम प्रभु की भक्ति में देते हैं पूरा दिन भर चार्ज हो गया ये पूरा दिन भर चलेगा पूरा दिन भर चलेगा। इसलिए हमारे मंदिर में प्रभुपाद ने क्या किया प्रभुपाद यही तो होता है सबसे मंगल आरती बैठो हरि नाम करो कीर्तन करो हरि कथा हो मंदिर परिक्रमा है देखो सवेरे चार बजे से साढ़े चार बजे से लेकर सात साढ़े आठ बजे तक पूरा ये मन भजन में पूरा लगा हुआ रहता है पूरा चार बजे से पाँच छह सात आठ समझो चार घंटा पूरा प्रभुपाद किए चार घंटा संपूर्ण सवेरे से लेकर के पूरा आरती कीर्तन पूजा पाठ उसके बाद में हरि कथा में परिक्रमा में पूरा चार घंटा मन इधर उधर नहीं जाते पूरा उसी में ही मन लगता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने गोलोक वृंदावन को यहाँ पर मैंने उतार दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने पूरा गोलोक वृंदावन को यहाँ पर उतार दिया जो कुछ गोलोक वृंदावन में हो रही है मेरे भक्तों का घर में वही हो रहा है हैं मंदिर में वही हो रहा है। ये मंदिर नहीं राधा रानी की ये निकुंज महल है राधा रानी की निकुंज महल ये मंदिर है ना। इसलिए कहते श्रीनंद सुभद्राणी मन मतलब जिनकी कथा सुनने से जीवन में सुबह सुभद्राणी रथांग पानी जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है अगर वो कथा को सुनेंगे तो क्या होगा हमारे संसार का बंधन